स्वाति श्रीवास्तव लखनऊ से बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर आज रहेंगे, जिसमें कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। दोपहर 12 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 12:35 पर शीतला धाम कौशाम्बी भी पहुंचेंगे। कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। खेल स्पर्धा के विजेताओं को मेडल भी बांटेंगे। दोपहर 3:55 पर ग्राम हरिहरपुर आजमगढ़ पहुंचेंगे। 4 बजे संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। भूमि पूजन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। खेल स्पर्धा के विजेताओं को मेडल वितरित करेंगे अमित शाह। चार बजे संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। भूमि पूजन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा आज। पूर्वांचल के कई जिलों का वो दौरा करेंगे और विकास की बड़ी योजनाएं भी, जिसकी सौगात आज वो देने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय चौहान भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे संजय का। संजय, आपके पास क्या जानकारी है अमित शाह के इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, 2024 के मिशन को लेकर के बीजेपी ने मिशन यूपी बनाया हुआ है, और यही वजह है कि विपक्ष की जो सीटें हैं उस सीटों पर भी 80 सीटों का जो जीत का लक्ष्य है, उस पर जीत के लक्ष्य को शुरू करने के लिए अब यूपी के जो दौरे हैं वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का शुरू हो चुका है। तो आज कौशाम्बी का दौरा है और आजमगढ़, दो जनपद ऐसे जनपद हैं जहां पर बीजेपी अपनी शुरुआत कर रही है, क्योंकि सेवा सप्ताह की शुरुआत कल से ही हो चुकी है। तो ऐसे में कौशाम्बी का दौरा, जहां पर वो तकरीबन 2 बजे पहुंचेंगे और करीब 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाओं का शुरुआत करेंगे। कड़ाधाम जो मंदिर है, कौशाम्बी का प्रतिष्ठित देवी मंदिर है, वहाँ जाकर के दर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ कौशाम्बी का जो महोत्सव है उसकी शुरुआत करेंगे। तो 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत जरूर आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, लेकिन मिशन यूपी जो है उस पर पूरी तरीके से फोकस होगा। और जिस तरीके से सेवा सप्ताह की शुरुआत हुई, उस सेवा सप्ताह के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों की गोलबंदी करने में जुटी हुई है, और यही वजह है कि कौशाम्बी में से इसकी शुरुआत हो रही है। और कौशाम्बी चूंकि विनोद सरोज यहाँ से सांसद है, तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं पिछड़ों की जो संख्या है इस जनपद में ज़्यादा मानी जा रही है, यही वजह है कि यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। उसके बाद आजमगढ़ पहुँचेंगे। आजमगढ़ में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, चूँकि उपचुनाव में ही आजमगढ़ बीजेपी के खाते में आई है, चूँकि अभी स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, इसी वजह से बीजेपी आजमगढ़ में भी फोकस करेगी। तकरीबन 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाओं का वहाँ पर भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इन दोनों दौरों की अगर बात करें, तो इस कौशाम्बी में बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वहाँ मौजूद रहेंगे। तमाम जो प्रयागराज और कौशाम्बी के सांसद हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद आजमगढ़ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। तो मिशन यूपी के तहत 2024 की जो टारगेट है, लक्ष्य है बीजेपी का, उसे लेकर के चल रहे। और कल जिस तरीके से बीजेपी की स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 के साथ साथ 29 की कार्ययोजनाओं का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी गोलबंदी पर काम करने पर अपना जो सिस्टम है उसे अपग्रेड कर रही है। बिल्कुल, और देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी जिले जिनका दौरा करेंगे अमित शाह, ये पूर्वांचल के जिले हैं, और ऐसे में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि विकास की कई योजनाएं जिनकी आज सौगात भी मिलने जा रही है जिलेवासियों को। बिल्कुल, विकास की सौगात के साथ साथ रामराज्य और राष्ट्रवाद का नारा जरूर बुलंद कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे से करेगी, और यही वजह है कि कल पीएम के संबोधन में राष्ट्रवाद और रामराज्य ये दोनों को प्रमुखता दी गई थी, और उसी के जरिए बीजेपी पूरी तरीके से और कहीं ना कहीं यूपी में हर जनपद में इसकी शुरुआत कर रही है। कौशाम्बी में 3 दिवसीय जो रामकथा है उसका भी आयोजन इसी कहीं ना कहीं धारणा, भले ही ये प्रमुखता से इसे फ्रंट पर सियासी तौर पर नहीं रखा जा रहा हो, लेकिन रामकथा भागवत जैसे आयोजनों का भी सहारा लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उसका आयोजन करा करके ले रहे हैं। तो 3 दिवसीय रामकथा का भी आयोजन आज से ही शुरुआत होगी, और कुमार विश्वास जो मार कवि हैं उनकी कहीं ना कहीं जो प्रस्तुति है वो देखने को मिलेगी। तो इसके सहारे बीजेपी पूरी तरीके से 24 की पटकथा तेजी से लिख रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका।